मित्रों, मैं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज भारत में आपका स्वागत। प्रधानी नाम बताएं। हमारी मिसेज हैं यहाँ पर विनीता सिंह, और हम उनके पति बोल रहे हैं नरेंद्र पाल सिंह। गांव का नाम है श्रोई, और हम डायल 100 पर चालक हैं। डायल 112 गाड़ी है, उस पर चालक है। और प्रधानी, जनता ने आपके लिए इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गांव की जनता ने जो है, जो भी गरीब परिवार थे या जो भी थे सपोर्टर थे, उन्होंने दिल खोल कर हमारा सपोर्ट किया है। और हम जो है उनको अपना ये गांव जो है सुरही, ये पूरी ब्लॉक में जो है सबसे बढ़िया ग्राम पंचायत साबित करवाते रहेंगे, जिससे कि जो कहें कि यहाँ सुरही ग्राम पंचायत बेहतर ग्राम पंचायत है। अच्छा प्रधान जी, विकास को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या विकास होने के लिए रह गया है गांव में? गांव में विकास अभी बहुत से खरंजा पुराने प्रधान ने नहीं कराए हैं, वो अब हम उन्हें खरंजों को सही करा के उनमें सीसी करवाएंगे। नल सवरवाना हमने अभी से चालू कर दिया, जो हैंडपम्प खराब थे वो हमने के लिए हैंडपम्प सही करा दिए हैं। अब बाकी जो सफाई सुथराई पे जो है सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, ये थोड़ा कोरोना के लेके बताएं जरा। कोरोना के लेकर जो है हमने गांव में लोगों से अपील की है कि ज्यादातर लोग जो अपने घर पे ही रहें, बार बार जो है साबुन से हाथ धोएं, और पूरा जो है जो लॉकडाउन चल रहा है मास्क वगैरह लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि गांव में जो है बीमारी ज्यादा ना फैल पाए और सभी लोग सुरक्षित रहें। और कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? यही कहना चाहते हैं कि जनता ने जो है जो मुझे अपना वोट, अमूल वोट दिया है, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं वचन देता हूँ कि उनके हर प्रकार से उनके सम्मान की, उनके मान की और उनके काम की किया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, कितने वोटों से विजयी हुई आपकी? हमारे मिसेज जो है 197 वोटों से जो है राम कुशल कश्यप को हराकर इलेक्शन जीती है। तो अभी अच्छा खासा समर्थन दिया जनता ने? हाँ, जनता ने भरपूर साथ दिया है। 669 वोट मुझे मिले थे, और जो हमारे प्रतिनिधि प्रत्याशी हैं उन्हें 472 वोट मिले थे। तो इसलिए मैं अपने गांव के जो भी जनता है, हिंदू मुसलमान जो भी है, सभी का जो है मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समर्थन दिया है। अब मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा।